गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का क्लास आज का क्लास करने के बाद आप लोग को जर्नल एंट्री में जो भी प्रॉब्लम था, जैसा भी प्रॉब्लम था, आज के बाद दूर हो जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कंपनी अकाउंट। तो कंपनी अकाउंट का अगर पुराना क्लास सभी बच्चे किए होंगे, तो ये जो नया क्लास अपलोड कर रहे हैं आज, इसमें जर्नल एंट्री वाला समस्या आज दूर हो जाएगा। जर्नल एंट्री बोले तो, अब जर्नल एंट्री मीन्स जैसे कि हम लोग उस दिन सीखे थे कि कंपनी जनरली, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा, जनरली 3 इंस्टॉलमेंट में अपना पैसा लेता है। 3 इंस्टॉलमेंट मतलब 3 बार में क्या क्या चीज़। तो एक बताए थे आपको कि एक बार सबसे पहले जो है कंपनी क्या करता है, कंपनी का पैसा लेता है जब कोई शेयर होल्डर खरीदना चाहता है शेयर। जब कोई शेयर होल्डर शेयर खरीदना चाहता है तो उसको क्या चाहिए, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी पैसा लेगी। दूसरा चीज़, कंपनी जो है पैसा कब लेता है, जब एप्लीकेशन हो जाएगा तो। दूसरा है, दूसरा इंस्टॉलमेंट कंपनी लेता है अलॉटमेंट के टाइम में। दूसरा इंस्टॉलमेंट कब लेता है, जब शेयर अलॉट कर देगा। और तीसरा जो अलॉटमेंट लेता है वो लेता है कॉल के टाइम में। समझिए बात को, कंपनी जो है अपना शेयर का पैसा 3 इंस्टॉलमेंट में लेता है। कंपनी अपना शेयर का पैसा कितना इंस्टॉलमेंट लेता है जी, 3 इंस्टॉलमेंट में। कौन कौन, पहला है एप्लीकेशन करेगा, दूसरा क्या है अलॉटमेंट के टाइम में, और तीसरा कॉल के टाइम में। सो मान लीजिए कि एक मोहन है, ठीक है, कंपनी बोला कि हम एप्लीकेशन के टाइम में कितना लेंगे, 3 रुपया लेंगे। कंपनी बोला कि हम एप्लीकेशन के टाइम में 3 रुपया लेंगे, अलॉटमेंट के टाइम में भी 3 रुपया लेंगे, और कॉल के टाइम में 4 रुपया लेंगे। मीन्स एक शेयर का दाम कितना हो गया, 4 3 7 3 10 रुपया। एक शेयर का दाम कितना हो गया, 4 3 7 और 3 10 रुपया हो गया, हुआ ना जी। तो मोहन बोला कि हमको चाहिए 10,000 शेयर। मोहन कितना शेयर मांगा, 10,000। इसका मतलब मोहन 10,000 × 3 कितना देगा एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी को, 30,000 एप्लीकेशन के टाइम में देगा। फिर अलॉटमेंट के टाइम में कितना देगा, 10,000 × 3। अलॉटमेंट के टाइम में कितना देगा, 30,000 देगा अलॉटमेंट के टाइम में। और जब कॉल किया जाएगा तो कंपनी को कितना पेड करेगा, 10,000 × 4, 40,000 रुपया कॉल के टाइम में पेड करेगा। मीन्स देखा जाए तो कंपनी को अल्टीमेटली कितना रुपया पेड करना पड़ेगा, कंपनी को पैसा कितना मिल जाएगा, 30,000 यहाँ, 30,000 यहाँ, 40,000 यहाँ, मतलब 1 लाख रुपया अगर मोहन देगा तो मोहन को शेयर मिल जाएगा। वो सोचिए एक मिनट के लिए, एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, ठीक है। सोचिए ये शेयर है, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये कलम, इस कलम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, शेयर है। कलम शेयर है, ठीक है। और इस कलम का दाम, कलम से अच्छा रहेगा कुछ और लेते हैं आपको, चलिए कलम ही रहने दीजिए। कलम ये है, कलम एक शेयर है। सोचिए ये इसका दाम 10 रुपया, कितना दाम है इस कलम का, 10 रुपया। आप जब दुकान लेने जाइएगा तो इस कलम को कैसे खरीद सकते हैं, 10 रुपया दुकानदार को दीजिए फिर भी कलम दे देगा दुकानदार, यही ना जी। या दूसरा क्या हो सकता है कि आप धीरे धीरे करके पैसा चुकाइए दुकानदार को और दुकानदार ही कलम दे देगा। समस्या समझिए हम क्या बोले, पहला बोले कि 10 रुपया एक ही बार में बोल सकता है दुकानदार, आपको क्या बोलेगा, 10 रुपया दो कलम दे देंगे। या दूसरा बोल सकता है कि तुम जो है 3 बार में पैसा दो हमको, हम कलम दे देंगे। तो देखिए क्या हुआ, दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आपको सोचना है दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोचिए क्या हुआ होगा। एक बार गए आप जो है, बोले हमको कलम दीजिए, बोला 10 रुपया दो, 10 रुपया उसको दे दिए दुकानदार को, कलम दुकानदार आपको दे दिया, कलम आपको दे दिया। या दूसरा बात क्या हो सकता है, दूसरा बात ये हो सकता है कि पहले आप 3 रुपया जमा कर दिए, फिर 2 रुपया जमा किए, फिर 5 रुपया जमा किए। तो ये 3 बार में जमा किए, तभी लास्ट टाइम जब आपका हो जाए, यहाँ पे आपको लास्ट टाइम जब आपका पैसा पूरे दे दीजिएगा तो शेयर किसका हो गया, आपका हो गया। समझ में आ गया, कलम किसका हो गया, आपका हो गया। तो यही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पे लगा हुआ है, समझे ना, कि 10 अगर 10 रुपया वाला शेयर है, मतलब एक शेयर का दाम कितना है,
10 रुपया है। अगर एक शेयर का दाम 10 रुपया है तो कंपनी को अगर वो शेयर चाहिए तो कंपनी शेयर होल्डर को, अगर किसी भी व्यक्ति को शेयर चाहिए तो कितना देना पड़ेगा, 10 रुपया। तो 10 रुपया चाहे तो एक बार में दे सकते हैं या फिर अलग अलग इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। ये 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी अपना शेयर का पैसा लेता है। कौन कौन इंस्टॉलमेंट बताइए तो नाम। पहला इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन का, दूसरा इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट का, तीसरा इंस्टॉलमेंट है कॉल का। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, मतलब आपको जर्नल एंट्री 3 बार करना होगा। अगर कंपनी 3 बार में पैसा लिया तो 3 बार का जर्नल एंट्री होगा। क्या क्या चीज़ का? एक एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री होगा, एक अलॉटमेंट का जर्नल एंट्री होगा और एक कॉल का जर्नल एंट्री होगा। होगा जी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, याद हो गया। कौन कौन इंस्टॉलमेंट हो सकता है? एप्लीकेशन हो सकता है, अलॉटमेंट हो सकता है और कॉल हो सकता है। अब देखिए जर्नल एंट्री पे वापस आते हैं। सर जर्नल एंट्री याद नहीं है, बहुत सारा बच्चा का क्वेरी आया है कि सर जर्नल एंट्री समझ में नहीं आया, तो अभी हम तो समझाए ही नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा। देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन की बात कीजिए। सर एप्लीकेशन में क्या होता होगा? सोचिए कि आपको एक शेयर खरीदना है, आपको एक शेयर खरीदना है, ठीक है। आप शेयर खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिलायंस कंपनी का अभी आप शेयर खरीदिएगा, रिलायंस कंपनी का। तो अगर नहीं पता चलता है ना, तो आप लोग पोर्टल खोल के देख लीजिए कैसे खरीदा जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन का पैसा देना पड़ेगा कंपनी को। मतलब कि कुछ फिक्स रखा होगा कंपनी कि 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 50 रुपया, जो भी उसका शेयर का दाम एप्लीकेशन का फिक्स किया होगा। मान लिया जाए, अभी हम अपना मान लेते हैं कि 10 रुपया वाला शेयर है और एप्लीकेशन के टाइम में 2 रुपया है, तो आपको अगर एक शेयर लेना चाहते हैं तो कंपनी को कितना देना पड़ेगा, 2 रुपया देना पड़ेगा। अब कंपनी जो है अभी आपको शेयर दिया है क्या? नहीं, अभी आप सिर्फ एप्लीकेशन किए हैं कि हमको एक शेयर चाहिए और उसके बदले आप क्या किए हैं, कंपनी को 2 रुपया दे दिए। अब कंपनी क्या करेगा, चेक करेगा आपका कि आप एलिजिबल हैं लेने के लिए कि नहीं हैं, आपको मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको मिल जाता है तो ठीक, मतलब आपको देखेगा सब क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं तो माना जाएगा हाँ आप लेने लायक हैं। अगर अदरवाइज क्या करेगा, आपको छोड़ देगा, नहीं आप लेने लायक नहीं है। तो अब देखिए बात यहाँ से होता है कि मान लिया जाए 2 रुपया एक शेयर का दाम है अब एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन का मनी जैसे शेयर होल्डर पेड करेगा शेयर दे दिया जाएगा। शेयर दिया नहीं है अभी एप्लीकेशन का, आप चेक करेगा उसका सब कुछ। अगर सब कुछ सही पाया जाएगा तो शेयर उसको क्या करेगा, अलॉट किया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। अब मान लीजिए अलॉटमेंट में 3 रुपया है, मान रहे हैं सब जी, अलॉटमेंट में कितना है, 3 रुपया है। तो अब आपको कम से कम कंपनी को कितना देना पड़ेगा, 3 रुपया। जैसे कंपनी को 3 रुपया दीजिएगा, शेयर आपको क्या करेगा, अलॉट कर देगा, शेयर आपको मिल गया। शेयर क्या होता है? तो शेयर एक तरह से एक लिखित प्रमाण होता है कि आप कंपनी को 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया दिए हैं। अभी भी आपका कंपनी को कितना देना है बोलिए तो, अभी भी कंपनी को 5 रुपया देना पड़ेगा। अब 5 रुपया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब कंपनी आपसे कॉल करेगा। कॉल के टाइम में 2 बार हो सकता है, या तो एक बार में बोलेगा फर्स्ट कॉल करेंगे, दूसरा बार बोलेगा सेकेंड कॉल करेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल करेंगे, या एक ही कॉल कर सकता है। तो कितना बच गया तुम्हारा, 3 2 5, अब बचा तुम्हारा 2 रुपया। और मान ले 2 3 कर लेते हैं तो 5 रुपया बचा हुआ था, 2 और 3 कर लिए। तो पहले बोलेगा फर्स्ट कॉल का पैसा दो, जब आप फर्स्ट कॉल का पैसा चुका दीजिएगा तो कंपनी को कितना पैसा आप चुका दिए, 2 3 5 और 2, 7 रुपया। फिर बोलिएगा सेकेंड कॉल का पैसा दो, बोलेगा कंपनी, तब आप कंपनी को कितना पैसा दे दिए, 2 3 5, 5 2 7 और 3 10, टोटल पैसा आप दे दिए, शेयर हो गया आपका और आपका लाइबिलिटी खत्म। समझ में आ गया बात? मतलब कहने का हुआ कि 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा ले सकती है। हम ये नहीं करें कि लेगा ही, हम बोल रहे ले सकती है। कभी कभी क्या होता है, एक ही बार में पैसा ले लेता है, कभी कभी क्या होता है इंस्टॉलमेंट में पैसा लेता है। समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या होगा कि एक ही बार में पैसा ले लेगा, जब एप्लीकेशन कर रहे हैं ना उसी समय बोलेगा पूरे पूरे पैसा दे दो, या फिर बोलेगा नहीं एप्लीकेशन के टाइम में इतना लेंगे, फिर अलॉटमेंट के टाइम में लेंगे, फिर कॉल के टाइम में लेंगे। समझ में आ गया बात?
तो चलिए अब बात करते हैं कि एक सवाल है हम लोग का अपना, बनाते हैं सवाल। सबके पास अगर एसके सिंह का बुक है, नहीं है तो ये इसमें हमको ये कर दीजिएगा, अभी हम मेरे पास एसके सिंह का बुक रखा हुआ है तो हम कोशिश करते हैं एसके सिंह का, और जिनके पास भी टी एस ग्रीवाल का बुक है वो टी एस ग्रीवाल का हमको ये कर दीजिएगा, जो जो सवाल बनाना होगा व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सवाल आपका हम बना बना दिया जाएगा, ठीक है। एसके सिंह का बुक है कंपनी अकाउंट का, और बहुत सारा बच्चा को कंपनी अकाउंट पता ही नहीं चल रहा, कंपनी अकाउंट पढ़ा कहाँ से रहे हैं सर, तो हम बताना चाह रहे हैं कि आपका बुक में देखिएगा तीन पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। हम पार्ट बी पढ़ा रहे हैं, और पार्ट बी में कंपनी अकाउंट में देख लीजिएगा, पार्ट बी में कंपनी अकाउंट होगा जिसमें होगा अकाउंटिंग फॉर इशूड ऑफ शेयर कैपिटल, इशूड ऑफ शेयर कैपिटल, यही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। एसके सिंह का नया बुक अगर है तो नया बुक में चैप्टर नंबर 3 होगा, अगर एसके सिंह का नया बुक है तो नया बुक में चैप्टर नंबर 3 होगा। उसका दूसरा नंबर सवाल पढ़ रहे हैं, ठीक है, देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है। ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ ए कैपिटल 2 लाख डिवाइडेड इंटू 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। देखिए एक ईस्टर्न लिमिटेड है, ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हम लोग बोलते हैं ई लिमिटेड, ठीक है। इस देखिए रजिस्ट्रेशन के टाइम में कितना शेयर से रजिस्टर्ड हुआ है, 20,000 × 10 बराबर हो गया आपको 2 लाख। बताइए तो अच्छा, सब जन बताइएगा हमको कि क्या है ये, रजिस्ट्रेशन के टाइम में इतना से रजिस्टर्ड हुआ, इसको कौन शेयर कैपिटल बोलते हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, क्या बोलेंगे, ऑथोराइज, जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं और जितना शेयर से आप रजिस्टर्ड होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल, याद है ना। ऑथोराइज शेयर कैपिटल मीन्स रजिस्ट्रेशन के टाइम में जितना शेयर पे रजिस्टर्ड हुआ है उसको ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोला जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, इट ऑफर टू पब्लिक, ये पब्लिक ऑफर किया शेयर एट पार पेबल 2 रुपया एप्लीकेशन पे। देखिए इन्होंने क्या किया, ई लिमिटेड पब्लिक को बोला खरीदने के लिए शेयर, लेकिन उसके लिए क्या बोला कि हम एप्लीकेशन के टाइम में कितना रुपया लेंगे, पढ़िए सवाल अच्छा से पढ़िएगा, सभी जन सवाल जो है अच्छे से पढ़िएगा, कितना है एप्लीकेशन के टाइम में 2 रुपया। दूसरा चीज़ क्या है जी, अलॉटमेंट के टाइम में 3 रुपया, एप्लीकेशन के टाइम में 2 रुपया, अलॉटमेंट के टाइम में 3 रुपया, और कॉल के टाइम में, फर्स्ट कॉल के टाइम में देखिए क्या है, 3 रुपया, फर्स्ट कॉल के टाइम में 2 रुपया, और फाइनल कॉल के टाइम में, देखिए कॉल में 2 हो गया, फर्स्ट कॉल 3 रुपया और फाइनल कॉल 2 रुपया। देखिए कॉल में 2 हो गया, कॉल की अगर बात किया जाए तो 2 हो गया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, मतलब देखिए क्या हो गया, 4 इंस्टॉलमेंट हो गया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, हालांकि बोले थे आपको होगा 3 ही इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, लेकिन कॉल में 2 भाग बांट दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ठीक है। देखिए अब हम लोग पहले एप्लीकेशन का एंट्री करेंगे, फिर अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे और फिर फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे, समझ में आ रहा है बात। देखिए और सवाल पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है, और आगे सवाल लिखा हुआ है कि शेयर वेयर सब्सक्राइब बाय पब्लिक, ये जो शेयर इशूड किया था 20,000, पब्लिक क्या किया इसको सब्सक्राइब कर लिया, तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गया 20,000, एंड पेमेंट वेयर डेली रिसीव्ड, और पेमेंट क्या हुआ, जितना पेमेंट था सभी रिसीव कर लिया, आपको जर्नल एंट्री करना है। देखिए जर्नल एंट्री करना है, सबसे पहले जर्नल एंट्री किसका हम लोग करना सीखेंगे, एप्लीकेशन का, सबसे पहले काम होगा एप्लीकेशन का, सोचिए क्या होता होगा अगर एप्लीकेशन करिएगा आप, तो आपको सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पैसा पेड करना पड़ेगा, और हम लोग एंट्री किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कि कंपनी के लिए, कंपनी के लिए, तो कंपनी के लिए जैसे जर्नल एंट्री कीजिएगा तो बैंक में पैसा क्या होगा, आएगा कि जाएगा जी, पैसा आएगा,
जैसे पैसा आएगा या पैसा इंक्रीज करेगा या बढ़ेगा, पैसा क्या है, एसेट्स है। तो बैंक अकाउंट एसेट्स बढ़ रहा है ना जी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना से डेबिट कीजिएगा, तो था कितना शेयर, देखिए तो नंबर ऑफ शेयर 20,000, कितना है 20,000 मतलब 20,000, और एप्लीकेशन के टाइम में कितना रुपया, 2 रुपया, तो 20,000 गुना 2 कितना हो गया 40,000, 20,000 गुना 2 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट। और टू क्या चीज़ का पैसा बताइए, तो क्या चीज़ का पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन क्या हो गया, शेयर एप्लीकेशन आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, इसे लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना से, तो 20,000 गुना 2 रुपया, 20,000 गुना 2 कितना 40,000, ठीक है। अच्छा और दूसरा एंट्री क्या होगा इसी का, अभी अलॉटमेंट में नहीं गए, अभी हम लोग एप्लीकेशन में ही चल रहे हैं, दूसरा एंट्री इसी का देखिए तो क्या होगा, एंट्री हो जाएगा, इस शेयर एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, इस शेयर एप्लीकेशन को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, करिए एंट्री, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना, तो वही 20,000 गुना 2 40,000 और 40,000। अब देखिए एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, जो आप लोग बचपन में पढ़ते थे कैपिटल लगाने का क्या एंट्री पढ़ते थे बचपन में बताइए, तो जब पूंजी लगाया जाता था बिजनेस में तो एंट्री क्या होता था, पूंजी लगाया जाता था एंट्री होता था कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो एक तरह से क्या हो रहा है जी, आप जो है कंपनी में पूंजी लगा रहे हैं ना जी, एक तरह से क्या हो रहा है, कंपनी में आप क्या लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, तो एंट्री क्या होना चाहिए कंपनी के हाथ में, कंपनी अपने बुक में एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहाँ कैपिटल का नाम क्या है, शेयर कैपिटल, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, देखिए वही एंट्री हुआ है, पहले आप एंट्री क्या किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन किए, किए ना जी, एक बार शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किए और एक बार शेयर एप्लीकेशन को क्या किए, डेबिट किए, तो डेबिट और क्रेडिट कैंसिल होगा या नहीं होगा ये बताइए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट कीजिए एक बार और एक बार क्या किए, डेबिट किए, तो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एंट्री क्या बचा बताइए, तो अगर ये दोनों कैंसिल हो गया तो एंट्री क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही तो एंट्री आप करते थे बचपन में, बचपन में आप एंट्री क्या करते थे कि जब कैपिटल लगा बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस और बिजनेस को अलग अलग समझते हैं, तो वही यहाँ पे जब शेयर होल्डर से बैंक कंपनी में पैसा लगाएगा तो कंपनी और शेयर होल्डर को अलग अलग समझेंगे, और एंट्री किसके लिए करते थे वहाँ पे, बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे एंट्री किसके लिए करेंगे, कंपनी के लिए। अब कंपनी एंट्री क्या करेगा, जब कोई बिजनेस में बिजनेस में पैसा लगा रहा, मतलब शेयर होल्डर हो गया बिजनेस में और कंपनी हो गया बिजनेस, तो कंपनी एंट्री क्या करेगा, पैसा आ रहा है कंपनी के पास बैंक अकाउंट डेबिट, साथ में क्या बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट यही होना चाहिए, लेकिन उस समय हम दो एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, समझ में आया, अल्टीमेटली एंट्री क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन अभी कितना रुपया का, मात्र 2 रुपया का, हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अब फिर जो है एंट्री अब क्या चीज़ का करेंगे, शेयर अलॉटमेंट का और फिर फर्स्ट कॉल का और फिर फाइनल कॉल का, अब देखिए तो समझ में आया कि नहीं बात, हम लोग एक एंट्री तो कर लिए कि शेयर फर्स्ट कॉल का एंट्री हो गया, अब दूसरा एंट्री में आते हैं अलॉटमेंट का, देखिए अलॉटमेंट का बहुत सारा बच्चे के मन में ख्याल होगा कि सर अलॉटमेंट का भी एंट्री उसी तरह होगा क्या, पहले बैंक अकाउंट करेंगे, नहीं अभी क्या है ना कि कंपनी पहले जो है क्या करता है, कंपनी पहले
कंपनी ये करता अपना अपने बुक में एंट्री कर लेता कि कितना पैसा मेरा बन रहा है। जैसे एंट्री करेगा तो शेयर क्या चीज़ का पैसा, शेयर अलॉटमेंट का पैसा ना जी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना रुपया था, देखिए तो सब जन उलट के अपना शेयर अलॉटमेंट के टाइम में था 3 रुपया, कितना शेयर 20,000, तो 20,000 शेयर 3 रुपया के दर से कितना हो जाएगा, देखिए तो 20,000 शेयर 3 रुपया के दर से हो जाएगा 20,000 × 3 कितना हो गया 60,000, 20,000 × 3 60,000 शेयर अलॉटमेंट। आज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 60,000, 20,000 × 3। अच्छा अगला ही इंट्री जस्ट तुरंत इंट्री क्या हो जाएगा, जब पैसा आ जाएगा तब आप इंट्री क्या कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट क्या चीज़ का पैसा आया, शेयर अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000 और 60,000। फिर देखिए एंट्री क्या बना आपका बताइए तो, फिर से एंट्री आपका वही बन रहा है कि अगर आपके आप एंट्री क्या बन रहा है, देखिए तो बैंक देखिए शेयर अलॉटमेंट एक बार क्या किए आप, डेबिट किए, शेयर अलॉटमेंट एक बार क्या किए, क्रेडिट किए, तो डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एंट्री क्या बच गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यही तो हम बता रहे हैं शुरू से कि आपका एंट्री लास्ट में क्या बचेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कितना का हो गया जी, तो 2 रुपया दिया एप्लीकेशन के टाइम में, 2 रुपया दिया अलॉटमेंट के टाइम में, समझ में आया बात, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बात आता है आपको कॉल का, अब जैसे कॉल होगा तो कॉल में कौन कॉल, दो दो कॉल किया गया है ना इसमें, तो एक फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल कितना रुपया का है बताइए तो, फर्स्ट कॉल जो है 3 रुपया का, फर्स्ट कॉल कितना रुपया का है 3 रुपया का। फिर एंट्री क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल क्या करेंगे एंट्री बताइए तो, एंट्री होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना रुपया डेबिट कीजिएगा, तो नंबर ऑफ शेयर कितना था 20,000, फर्स्ट कॉल का कितना रुपया 3 रुपया, तो 20,000 × 3 कितना हो जाएगा 60,000, और कहाँ चल जाएगा ये पैसा, शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा 60,000। ठीक है, अच्छा यही शेयर उसके बाद ये जो है पैसा फिर क्या होगा, रिसीव कर लीजिएगा आप, तो रिसीव करिएगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना 60,000, 60,000 समझ में आ गया बात। अब देखिए तीसरा स्टेज पहुंचिए, फाइनल कॉल बात करते हैं हम लोग, फाइनल कॉल अच्छा क्या होगा, फाइनल कॉल कितना रुपया का होगा, तो 3 × 2 = 1, 3 × 3 = 5, 5 × 3 = 8, बचा कितना जी 2 रुपया, तो 10 रुपया हो गया। आप देखिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना से, तो 20,000 × 2 कितना हो जाएगा 40,000, टू शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 40,000, और फिर इसी शेयर एप्लीकेशन शेयर फाइनल कॉल को क्या होगा, पैसा रिसीव कर लीजिएगा, एंट्री क्या करिएगा बोलिए तो, एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 40,000 और 40,000 आया होगा समझ में, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और एक एग्जाम्पल हम अगला जो अभी वीडियो बनाने वाले हैं उसमें एक एग्जाम्पल डाल